आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। बेलकरिया टाउनशिप में धर्म परिवर्तन को लेकर सोमवार को लोगों ने जमकर हंगामा किया, जब खबर पाकर सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो, विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री रमेश पांडे बेलगड़िया पहुंचे। वहीं सूचना मिलते ही बलियापुर थाना प्रभारी गोपाल चंद्र घोषाल दलबल के साथ बेलगड़िया पहुंचे, लोगों को समझाने बुझाने का काफ़ी प्रयास किया, बावजूद लोग नहीं माने। क्रिश्चियन धर्म से जुड़े दो युवकों पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। देखते ही देखते बेलगड़िया टाउनशिप में लोगों की भीड़ काफ़ी संख्या में जुट गई। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रमेश पांडे ने ईसाई मशीनरी से जुड़े युवकों पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। थाना प्रभारी गोपाल चंद्र घोषाल क्रिश्चियन धर्म से जुड़े दोनों युवकों को बलियापुर थाना ले आया। थाना में पूछताछ चल रही है। युवक का नाम कायना बंसल व उनके साथी हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो ने कहा कि बेलगड़िया टाउनशिप के सीधे साधे गरीब लोगों को बहला फुसला कर पैसे का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना न्याय संगत नहीं है। भोले भाले आदिवासी से घर बनाने के नाम पर जमीन लेकर चर्च बनाना धोखाधड़ी का मामला है। इन लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिए। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। हम लोग बलियापुर थाना अंतर्गत बेलगड़िया में है। सूचना मिली थी कि कुछ लोग बेलगड़िया गए हुए हैं और कुछ चर्च बन रहे थे, उसकी समस्या इस संबंध में किसी तरह की कुछ समस्या थी, तो वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। इस तरह की सूचना मिली थी, इसी पर हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे और देखे हैं कि ऐसा जो भीड़ है उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था कि चर्च बनी है, बाकी अन्य चीज़ें जांच की गई क्या है। आप लोगों ने बात किया तो क्या बात सामने आई है? चर्च मतलब अवैध रूप से बन रहा है या फिर बरगला के बन रहा है कुछ? ये सभी चीजें जांच का विषय है, अभी सभी चीजों पर पूरी तरह डिटेल जांच की जाएगी क्या है। सर, चर्च का एक क्रॉस का सिंबल बना हुआ था, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, वो चीजें भी हम लोग देख रहे हैं। जहाँ तक ऐसी बातें आ रही है तो हम लोग इस पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे और जो भी अग्रसर कार्रवाई की जाए। ऐसा आरोप लग रहा है कि यहाँ पर बरगला के आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऐसी भी सूचनाएं नहीं आ रही, लेकिन हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं और लोगों से भी बयान ले रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगी ऐसा है तो हम लोग प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रसर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मामला यहाँ है कि ईसाई मशीनरियों के द्वारा किस प्रकार से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके यहाँ के भोले भाले लोगों को अपने झांसा में फंसाना और लोगों को धर्म परिवर्तन करना और यहाँ के आदिवासी परिवार मछली परिवार से जमीन किस प्रकार से धोखेगड़ी करके हथिया कर लेना और मकान बनाने के नाम पर कि हम रहेंगे और उस पर चर्च का निर्माण कर देना, ये सीधे तौर पर धोखाधड़ी का मामला है। और वो परिवार भी आज स्वीकार कर रहा है कि हम उनको रहने के लिए दिए और आज चर्च बना दिया, ये काफी हमको तकलीफ हुआ, वो परिवार काफी दुख महसूस कर रहे हैं। किनका जमीन है और कौन इस जमीन को लिया है? जमीन लेने वाले वो ईसाई मशीनरी के लोग हैं और वो जमीन को हथिया कर आज चर्च का निर्माण कर दिए, आज यहाँ का सामाजिक वातावरण को दूषित करने का काम किए, यहाँ शांति फैलाने का काम किए, वैसे व्यक्ति के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिए और प्रशासन जिला प्रशासन इस पर हस्तक्षेप करे और चर्च का जो रूप दिया गया है उस रूप को भी अविलंब इस पर। ये जमीन जिसने लिया वो क्या रजिस्ट्री है या फिर क्या है? आदिवासी का जमीन कैसे रजिस्ट्री हो सकता है? सीएनटी का जमीन है और आज इस राज्य का आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी अतिथि है और किस प्रकार से राज्य में सरकार बदला और सरकार बदलते ही ईसाई मशीनरी किस प्रकार पांव पसार रही है, जिसका जीता जागता नमूना है आज बलगड़िया के बगल में। आज यहां पर चर्च उस जमीन के लिए कुछ राशि भी दी गई क्या उनको जिनका जमीन था? उनको खिला पिला कर बहला फुसला कर लिया होगा, लेकिन उन्होंने रहने के लिए लिया था, वहाँ चर्च बनाने के लिए नहीं लिया था।
चर्च बनाने का कोई पेपर आप लोगों का क्या मांग है? यहाँ अमन चैन रहे, यहाँ किसी प्रकार का धार्मिक उत्पाद न फैलावे लोग, यहाँ के भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन करके यहाँ का माहौल को नहीं बिगाड़ने का काम करे, जो धोखाधड़ी करके जमीन लेकर धोखाधड़ी करके लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसे लोग के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो। शासन अगर आपकी कर आप लोग बातें नहीं मानेंगे, ये आप लोग जो चर्च नहीं रुकता है, तो आप लोग इसके आगे क्या करेंगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार से धोखाधड़ी कर वहाँ पर चर्च का रूप दिया है, इस मामला को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करें।